नमस्कार, प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। कोविड-19 को लेकर जहां पूरे देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है और यह अघोषित आपातकाल की मार सबसे ज़्यादा मजदूरों पर पड़ी है, वहीं लगातार केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए कई तरीके से उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं रेल मंत्रालय के द्वारा भी श्रमिकों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाया जा सके। इस दौरान श्रमिकों के लिए किसी प्रकार की खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण गुरुवार देर रात करीब 7 बजे दिल्ली से चलकर आई श्रमिक ट्रेन आसाम के लिए इस बीच साहिबगंज स्टेशन पर 20 मिनट के लिए ट्रेन रुकी और मजदूरों ने अपनी भूख मिटाने के लिए कैंटीन की तरफ चल पड़े। इसी बीच स्टेशन परिसर के अंदर बिजली के तार में आग लग गई, जहां मजदूरों में भागदौड़ का माहौल बन गया। वहीं सफाई कर्मी द्वारा आग को बालू फेंक कर बुझाया गया। वहीं स्टेशन अधीक्षक RS पांडे पत्रकारों को कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में बागला जिला अस्पताल के निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल कुमार गर्ग ने अस्पताल के कई विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कई खामियां, इसी दौरान चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उनका हाल चाल जाना। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। जो कोरोना के साथ साथ हमें जीना सीखना होगा और जो इतने जो इमरजेंसी की सेवा है वो सब हॉस्पिटलों में चालू हो रहा है। ऑपरेशन जो जरूरी है, हड्डी का जो इलाज होना है, मतलब टूट जाती है, इस तरह की जो जितनी भी सेवाएं ये सुचारू रूप से चालू हैं या नहीं, तो उनको मैंने आज यहाँ आके देखा। कुछ कमियाँ पाई गई हैं निश्चित रूप से, इसमें बुराई नहीं है, इस तरह की कमियाँ पाई गई हैं, जैसे टॉयलेट की प्रॉब्लम है। तो खबरों का सिलसिला जो ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।